नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं महोबा जिले के अर्जुन बांध में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप जानते होंगे कि अर्जुन बांध में कई सालों से चिमड़ी की खेती होती है। लेकिन ये चिमड़ी की खेती होती तो है, क्या किसानों की किस तरह की स्थिति रहती है जब चिमड़ी की खेती होती है, इसके विषय में आज हम किसानों से भी बात करेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जी भैया, मुंह बांधिए। क्या क्या नाम है भैया आपका? लाल यादव। कहाँ के हैं? ग्राम सेला खालसा, जिला महोबा। जी, आप क्या कर रहे हैं? चिमड़ी की खेती कर रहे हैं। कब से चिमड़ी की खेती करते हैं? कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन पर साल से ज्यादा घाटा में जाते हैं इस लॉकडाउन की वजह। ये चिमड़ी की खेती में कुछ आमदनी होती है कुछ क्या? कुछ नहीं होती है सर, पहले होती थी एक दो साल है पहले, कि अपने लागत में कई 10-20 हजार मिल गए है, और अब जो 2 साल से सो बिल्कुल घाटा ही में जा रहे, लागत नहीं सूती होती है। जी, कितने कितने बीघे में आप चिमड़ी लगाए? 12 बीघे में। और क्या कारण है जो आपकी लागत नहीं निकल पा रही है? लॉकडाउन की वजह से बिक्री नहीं होती, व्यापारी नहीं आते हैं। जी जी, कितने में बिकती हैं? 1.5-2 रुपया किलो लेते। कितनी लागत लगी थी आपकी 12 बीघे में? 12 बीघे हमारी 1 लाख की लागत हो गई थी। ये बहुत सारी चिमड़ी आपकी यहाँ की पकी पड़ी हुई हैं और कुछ खराब पड़ी हुई हैं, इसका क्या कारण है कि आपकी जी बिक नहीं पाती हैं? सो जैसे हम लोग तोड़ते हैं, नहीं टूट पा उसके काम बेच रहे हैं, सो इस वजह से वो पड़ी रहती है। तो क्या आप बाजारों में नहीं बिक पा रही है क्या? बाजारों में जाते हैं लोग, सो जी लॉकडाउन की वजह से 2-4 आदमी भाई सो डंडा खाओ ऊपर से, यहाँ क्यों आते हैं? तो ऐसे स्थिति में आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी तो मजदूरन की पूर्ति कर दे सरकार, से बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इस बंदे में कितने लोग किसान हैं ऐसे जो चिमड़ी की खेती करते हैं? यहाँ पूरा गांव कम से कम 500 आबादी है वोटिंग है, ऑल टू ऑल करे एक ही 2 आदमी है जो नहीं करे, बाकी अर्जुन बांधे भर जाए और लेट नहीं कर सो चिमड़ी है नहीं तो डर रहा। जी, तो सोचते हैं कि मतलब अपनों कुछ परिवार चल जाए इसमें। जी, लगभग कितनी फायदा होती अगर लॉकडाउन नहीं निकलता? लॉकडाउन नहीं होती तो 12 बीघे कम से कम 3-4 लाख मिल जाता खर्चा काट के। जी, कितनी लागत लगी हुई है इसमें? हमारी 1 लाख लागत लग चुकी 12 बीघे में, वो पहुँचे नहीं है 20 हजार। किस किस चीज में लागत लग चुकी है? चिमड़ी में जी, मतलब जैसे अपना खाद भी, इसमें सिंचाई, मजदूरी। जी, तो देखिए क्या नाम बताएंगे? सुंदर लाल यादव। सेला खालसा गांव के सुंदर लाल यादव ने बताया है कि हम लोग 12 बीघा में चिमड़ी की खेती किए हुए हैं, जो कि लॉकडाउन के कारण 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बाजारों में बिक रही है, और वहाँ भी बाजार में भी नहीं धर पा रहे हैं क्योंकि पुलिस भी लगी हुई है, कहते हैं कि तुम चिमड़ी अपने घर में बेचो या फिर यहाँ से हटो बाजार से, बाजारों में तो बिकती हैं ऐसी चीज़ें खाने पीने वाली, जब किसान पैदा करता है तभी सब लोगों को मिल पाता है। तो चलिए और भी जानते हैं कुछ लोगों से। ये है, आप चिमड़ी की खेती देखिए, हम आपको और भी किसानों से बात कराएंगे। ये है देखो, ये खराब पड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। कहीं ले आई नहीं जा पाल तो
ये देखिए है जी, क्या नाम है भैया आपका? आप चिमड़ी की खेती करते हैं? हाँ। जी कितने बीघे में चिमड़ी लगाए हुए हैं? लगाए 16 बीघा। जी किस तरह से बिक रही है चिमड़ी इस समय? 5 किलो 4 किलो। जी जब आप लगाते हैं तो आपको किस तरह का भाव मिलता है, और जब आप मूल का कोई चीज भी खाते हैं तो क्या मिलता है? किलो बिकाते रहो, 15-16 को बिकाते रहो, 20 को बिको, जब लाभ हो वो जो 4-5 की बिकी तो कहीं का है हड़ी तब और बार बच्चे को और मर जा का कर दिन भर घाम में फिर मजूरी नहीं कर रही वो तो लाग लाग खाए बैठे हो गए जगह से मिल जा तो अच्छा है नहीं कटाई इसे काम जा रहा है कोई सुन रहा। किसानों के लिए तो सरकार कुछ धनराशियां दे रही है, किसान है कछु नहीं है, जिसका ज्ञान है वो मैं वो धंधे वाला ना धंधो है हमें वाला ना किसान है कछु नहीं है, ये डीला बटोर वो है कछु नहीं है जी बटोर डीला आराम से वो किसान ही से सबको पनपो है। आपने कहीं गए हुए हैं इसके बारे में कि हमारी चिमड़ी नहीं बिक रही है? कहाँ जाइए, कहाँ है हमारी पहुँच के, हम कहाँ पहुँच जाए कर रहे किसानी तो डंडा खा रहे अब जहाँ कहाँ खास ब्याह नहीं कर पाए, लड़की को ब्याह नहीं कर पाओ कि मतलब ब्याह कर पाओ है अब जाइए कहाँ जी के एक डंडा घल जा सू घर भगत खूसा को है जो आप चिमड़ी लेके जाते हैं कहा ले जाते थे इसे जो कर्मचारी मतलब सो ले जा रहे सो बस मन की सौदा ले रहे वो तो डंडा ना डरा रहे सो अपनी तई दे रहे कि ले जाओ भैया जी कसू कितने कितने ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर लगाए हुए हैं और डेली कितनी निकलती होंगी चिमड़ी? हमारा गांव पूरा लगा जी अब कोई जो नहीं कह सकता कि को नहीं लगा पूरा गाँव का का करें तो जमीन है नहीं तला में डरे हैं नाला में पीर तो सो मतलब आदमी है जितने मिल जा सो वही लग कि जो फसल कर लो तई में कछु बाल बच्चे पल जाए हैं वही में मतलब जो लॉकडाउन थोड़ी है। तो आपने देखा कि हमने किसानों से बात ही करा है और भी किसानों से बात कराएंगे। जी अभी क्या कहना चाहते थे? क्या नहीं चाहे हमें का कहने हमें नहीं कहने का कोई बात नहीं जो चीज किसानों की होती है तो आम जनता गरीब लोगों को भी खाने को मिल जाती है, अगर किसान के नहीं होती है जो स्थानीय किसान होते हैं और शायद स्थानीय किसानों की चीज नहीं होती है, जैसे हम एक उदाहरण दें कि यहाँ सेला गांव के किसान हैं और बहुत सारी चिमड़ी की खेती करते हैं और हर साल जो यहाँ की छोटी मोटी जनता है वो चिमड़ी खरीद के खाते हैं। जब हमने बात किया था कुछ लोगों से भी बात किया था बाज़ारों में तो बाज़ार कह रहे थे कि हमारे स्थानीय किसान जो लगाते हैं तभी हमें खाने को मिलती है वरना हम लोगों को खाने को नहीं मिलती है। तो आखिरकार किसानों की जब फसल होती है तो क्यों ऐसा भेदभाव होता है कि किसानों की फसल को सस्ते दाम में लिया जाए और जो बाहरी माल होता है उनको महंगा ही दिया जाए? तो ये आज ही की बात नहीं है, ये हमेशा से था और हमेशा शायद है किसानों का कहना है कि चलता रहेगा। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए किसानों के साथ, किसानों की भी फसलें हैं उनको भी महंगे दाम में बिकना चाहिए। जैसे इस समय हर चीज़ बिक रही है और यहाँ पर जो किसान
चिमड़ी की खेती कर रहे हैं उनको बहुत सारा घाटा लगा हुआ है और वो निराश होकर अपने खेतों में मड़िया डालकर रह रहे हैं और बैठे हैं इस समय। उनका माल है बहुत बर्बाद हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना लाइफ यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।